वेलकम टू अच्छे दिन। हिंदी तमिल व तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग करने वाली डांसर एक्ट्रेस व मॉडल खुद को इंडियन मानने वाली नोरा फतेही ने बहुत कम समय में पॉपुलरिटी गेन कर करियर बनाया। वह अपनी दमदार फ्लेक्सिबल बॉडी स्किल के साथ इंडस्ट्रीज में अपने लाखों फैंस के दिलों में भी जगह बनाने में सफल रही। इस वीडियो में हम नोरा के बारे में ऐसी दिलचस्प बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते हो, तो आपसे विनती कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर वन, नोरा फतेही का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा में हुआ। उनके फादर अरबी मोरक्कन मूल के हैं, जबकि मदर पंजाबी इंडियन मूल से ताल्लुकात रखती है। नोरा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम उमर है। नंबर टू, नोरा फतेही ने टोरंटो में वेस्ट व्यू सेंटेनियल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद टोरंटो विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, मगर वह अपनी डिग्री कम्प्लीट नहीं कर पाई। नंबर थ्री, बचपन से ही डांस व एक्टिंग की शौकीन नोरा फतेही स्कूलिंग के दौरान ऑनलाइन वीडियो देखकर कंटिन्यूस प्रैक्टिस की मदद से बिना किसी ट्रेनिंग के एक प्रोफेशनल डांसर बन गई। नंबर फोर, डांस व एक्टिंग में करियर का शौक रखने वाली नोरा फतेही अक्सर बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के ख्वाब देखती थी, मगर नोरा के पेरेंट्स उनके अगेंस्ट थे। वे चाहते थे कि वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब करे। नंबर फाइव, नोरा फतेही के जीवन में विपत्ति का पहाड़ उस समय टूट पड़ा जब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और घर की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई। उन्हें घर चलाने के लिए सुबह एक वेटर्स तो शाम को टेलीकॉलर्स के रूप में जॉब करनी पड़ी। नंबर सिक्स, नोरा फतेही ने 2012 में डांस के अलावा मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश की और उन्होंने मॉडल एवं टैलेंट एजेंसी और मॉडल मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट किया और मॉडल असाइनमेंट पर इंडिया आई। इस तरह उन्होंने मॉडलिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। नंबर सेवन, नोरा ने जैसे ही ग्लैमर इंडस्ट्रीज में कदम रखा, उन्होंने वन प्लस इंडिया सेज और एडिडास जैसे कई बड़े ब्रांड्स व प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया, मगर एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ने उनके साथ बहुत बड़ी चीटिंग की जब उन्होंने नोरा को 20 लाख रुपए की पेमेंट देने से मना कर दिया, जो उन्हें कभी नहीं मिली एवं उनका पासपोर्ट भी रख लिया। नंबर एट, मॉडलिंग के साथ साथ नोरा फतेही ने हिंदी फिल्मों के लिए कई ऑडिशन फेस किए, मगर हिंदी अच्छी नहीं होने के कारण अक्सर उन्हें रिजेक्शन व अपमान का सामना करना पड़ा। एक प्रोडक्शन हाउस ने तो उन्हें यहाँ तक भी कहा, तुम जैसे यहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, मगर नोरा ने हार नहीं मानी। वह सारी रात प्रैक्टिस किया करती थी, परिणाम स्वरूप आज वह हिंदी में नहीं बल्कि फ्रेंच व अरबी में भी फ्लुएंट है। नंबर नाइन, नोरा फतेही ने फिल्म रॉ टाइगर ऑफ द सुंदर वन 2014 में बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मगर उनके अभिनय को फैंस व आलोचकों द्वारा बेहद पसंद किया गया। नंबर टेन, नोरा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, उन्हें काम की जरूरत थी, मगर लोगों ने उन्हें अक्सर कहा रियलिटी शो नहीं करना, किसी ने कहा आइटम नंबर नहीं करना, तो किसी ने कहा साउथ इंडियन सॉन्ग्स नहीं करना, लेकिन वह अपने निर्णय के साथ मजबूती से खड़ी रही और उन्होंने डिसाइड किया ना करने से तो अच्छा है, जो भी मिले वह किया जाए, इसलिए उन्हें जैसा भी काम मिला वह किया। नंबर 11, नोरा की मेहनत रंग लाई, इंडस्ट्रीज में अब उनकी डिमांड बढ़ चुकी थी। अगले साल बैक टू बैक उन्हें हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु व मलयालम लैंग्वेज की 8 फिल्मों में देखा गया। नंबर 12, नोरा फतेही ने अब नेक्स्ट फिल्म वेंचर क्रेजी कक्कड़ फैमिली में अभिनय कर पॉपुलरिटी गेन की एवं तेलुगु फिल्म टेम्पर में एक आइटम नंबर के साथ तेलुगु इंडस्ट्रीज में डेब्यू किया। इसके अलावा उन्हें मलयालम फिल्म डबल बैरल के आइटम सॉन्ग्स में भी देखा गया। नंबर 13, नोरा फतेही ने ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में प्रभास और राणा दग्गुबाति के साथ आइटम सॉन्ग मनोहारी में अभिनय किया। सॉन्ग्स को बेहद पसंद किया गया, नोरा की फैंस फॉलोइंग ऑलमोस्ट डबल हो गई। नंबर 14, नोरा फतेही ने 2015 में छोटे पर्दे पर भी अपना डेब्यू किया। उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस 9 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में प्रवेश किया और शो में ऑलमोस्ट 3 सप्ताह तक परफॉर्म किया। नंबर 15, नोरा फतेही ने 2018 में फिल्म सत्यमेव जयते के बेली डांस दिलबर सॉन्ग्स ने तहलका मचा दिया। उनके इस आइटम सॉन्ग्स ने 24 घंटे में सबसे तेज मिलियन व्यू का रिकॉर्ड तोड़ दिया और यूट्यूब पर तेजी से 100 मिलियन व्यू पाने वाला सॉन्ग्स बन गया। लोगों का मानना कि सॉन्ग्स ने उनकी जिंदगी बदल दी, मगर नोरा का मानना कि उनके आइटम सॉन्ग्स कामरिया और हार्डी संधु संगीत वीडियो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिन्होंने उनके लाइफ स्टाइल को ही बदल दिया। नंबर 16, नोरा फतेही को बाटला हाउस में जॉन इब्राहिम व मृणाल ठाकुर के साथ कास्ट किया गया, जहां उन्होंने ओ साकी साकी सॉन्ग को फैंस द्वारा बेहद पसंद किया गया। फिल्म मरजाओ में उनके सॉन्ग्स एक तो कम जिंदगानी ने लोगों का टेम्परेचर बढ़ाया व भरपूर इंटरटेन किया, मगर उनके फैंस को तो वरुण धवन व श्रद्धा कपूर की स्ट्रीट डांसर 3D का इंतजार था, जहां नोरा एक बार फिर सॉन्ग्स गर्मी के सेट पर डांस करती नजर आएगी। नंबर 17, नोरा फतेही और एक्टर अंगद बेदी एक क्लोज रिलेशनशिप में थे। नोरा उन्हें बेहद प्यार करती थी, मगर अंगद बेदी ने अचानक एक्ट्रेस नेहा धूपिया के साथ शादी कर ली, जिसे नोरा बहुत हार्ट हुई और बुरी तरह टूट गई, मगर उन्होंने अपने आप को समझाया कि मुझे इन सब फिजूल की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रियलिटी शो बिग बॉस के दौरान नोरा और एक्ट्रेस प्रिंस नरूला की रोमांटिक रिलेशनशिप एक बार फिर चर्चा का विषय रही। प्रिंस ने कबूल भी किया कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मगर प्रिंस ने जल्दी युविका चौधरी से शादी कर ली। इसके बाद नोरा ने सिर्फ इतना कहा,
था कि सभी लड़कियां अपने जीवन में कम से कम एक बार इस दौर से जरूर गुजरती है। नंबर 18, नोरा फतेही ने अपनी एक्टिंग स्किल को शेयर करने के लिए 2017 में नोरा फतेही यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। उनकी पॉपुलरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता कि उनके चैनल पर ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। नंबर 19, नोरा फतेही की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी फैन फॉलोवरशिप है। उनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी इंस्टाग्राम फॉलोवर्स पॉपुलरिटी 10 मिलियन अक्रॉस कर चुकी है एवं लगातार बढ़ती ही जा रही है। नंबर 20, ऑनलाइन सोर्सेज के अनुसार 2020 में नोरा फतेही के वेतन, आय और प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो उनकी नेटवर्थ ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूएस डॉलर है। तो फ्रेंड्स, एंड ऑफ दिस वीडियो, ऐसी और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।